अली असगर के हिट कॉमेडी शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल से अलग हुए 5 साल हो चुके हैं। हालांकि आज भी लोग शो में उनके द्वारा निभाए गए दादी के कैरेक्टर को याद करते हैं। फैंस आज भी कपिल शर्मा के साथ अली की कॉमेडी वीडियो को देखकर खुश होते हैं। इन्हीं सब के बीच जब इंडियन प्राइम न्यूज़ ने अली से सवाल किया कि क्या वह अभी भी कपिल के साथ उनके कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो से फिर से जुड़ने के लिए तैयार हैं, तो इस पर कॉमेडियन ने जो कहा वह बेहद शानदार था। जी हाँ, आपको बता दें, इंडियन प्राइम न्यूज़ से बातचीत में कॉमेडियन अली असगर ने यह स्वीकार किया कि यह कोई भी बात परिस्थितियों पर निर्भर करती है। एक्टर ने कहा कि आप ईमानदारी से कभी नहीं जाने जाते, आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं नहीं कर रहा हूँ, हालांकि मैं ये अभी भी नहीं बोल सकता कि मैं शो करूँगा या नहीं, यह स्थिति पर निर्भर करता है। शो से बाहर होने पर अली असगर ने कहा कि दुर्भाग्य से जो हुआ उसके बाद मैंने छोड़ दिया। उस घटना के बाद हमारी कोई बातचीत नहीं होती है, एक दूसरे से हमारा संपर्क ही नहीं है और ना ही कोई मुलाकात ही होती है। हमें कभी मिलने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए कहना मुश्किल है कि क्या हम उनके साथ काम करेंगे या नहीं। अली असगर इन दिनों झलक दिखला जा 10 का हिस्सा हैं। इस शो में उन्होंने बतौर कंटेस्ट देखा जा सकता है। हालांकि अपने कॉमेडी ह्यूमर की वजह से वह खबरों में छाए रहते हैं और शो के जज के साथ ही दर्शकों के चहेते बने हुए हैं। बातचीत में उन्होंने कहा झलक दिखला जा 10 के बारे में बताया और कहा कंटेस्ट के रूप में उनके दादी के कैरेक्टर को लेकर फिर स्टेज पर आना एक अनूठा तरीका है, लेकिन यह काफ़ी चैलेंजिंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।